हाय एवरीवन, आज हम करेंगे नेशनल सिंबल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स फ्रॉम द ल्यूसेंट. सो शेयर इन द ग्रुप, शेयर द वीडियो एंड लाइक द वीडियो. शेयर एंड लाइक. गुड मॉर्निंग दिव्या, गुड मॉर्निंग विनीता, शेयर कर दो. हाय रवीना, गुड मॉर्निंग रिमझिम, गुड मॉर्निंग परमेश्वरी, गुड मॉर्निंग पूजा, हाय नंदना, गुड मॉर्निंग गरिमा. शेयर फास्टर, जल्दी शेयर कर दो. गुड मॉर्निंग रूहानिका, गुड मॉर्निंग वीना, शेयर कर दो जल्दी. गुड मॉर्निंग शिवानी, गुड मॉर्निंग निहारिका, गुड मॉर्निंग वर्षा, गुड मॉर्निंग दियाना, गुड मॉर्निंग रश्मि, गुड मॉर्निंग खुशबू, गुड मॉर्निंग उपासना. निहारी का शेयर कर दो एक बार. रूपशा, गुड मॉर्निंग रूपशा, गुड मॉर्निंग निहारिका, जय हिंद स्नोबर, गुड मॉर्निंग प्रियांशी, हाय वर्षा, ओके निहारिका, स्वीट मॉर्निंग प्रांजल, गुड मॉर्निंग सलोनी, ओके पूजा, थैंक यू. मैं ठीक हूँ शिवानी, आप बताओ, व्हाट अबाउट यू? शेयर जल्दी कर दो. हाँ निहारिका, बीमार तो मैं हो गई हूँ, चला बैठ गया. हाँ आज पक्का कोरोना वैक्सीन का करवाऊंगी 2 PM पर, ठीक है सोमवार. गुड मॉर्निंग प्रिया, ओके शिवानी, अच्छी बात है, गुड दिन. ओके गुड मॉर्निंग चीकू, हाँ प्रांजल, यस आपने सही पहचाना. गुड मॉर्निंग मधुश्री, गुड मॉर्निंग मधु, शेयर कर दिया सबने. 24 बच्चे, 11 लाख, लाइक तो कर दो, फिर स्टार्ट करेंगे. अच्छा स्टार्ट कर दे. ओके रूपशा, डोंट वरी, वेलकम टू दिस चैनल, ओके यू विल नॉट रिग्रेट बाय एंटरिंग दिस चैनल, ठीक है. टेक दिस क्लास, यू विल फील वेरी गुड. गुड मॉर्निंग मानसी, MNS की बुक से, मैं जो MNS की बुक से अगर करवाऊंगी ना, हाँ ऐसी कोई बात नहीं है कि बीमार हो जाता, कुछ नहीं होता, ठीक है. हाय कंचन, और
एमएनएस की बुक से मैं करार जो मैं कराऊंगी वो मैं करा चुकी हूँ ल्यूसेंट से, जो भी ल्यूसेंट में था वो ही एमएनएस की बुक में है। तो इससे अच्छा है कि मैं हिस्ट्री पॉलिटी और ये सब कुछ ज्योग्राफी कराऊँ, तो मैं वो करवाने लग रही हूँ। पार्ट थ्री आज 10 AM पर करवाऊँगी मैं, पार्ट थ्री एमएनएस बुक का, ठीक है। और तो सारा मैंने ल्यूसेंट से कवर करा दिया। हाय मानसी, दिव्या मैंने बताया तो था माय नेम इज़ मैम। हाय कंचन, गुड मॉर्निंग, वेर इज़ अलीशा, अनामिका, हाय निकिता, यू कैन कॉल मी मैम, ठीक है, ओके विनीता, अच्छी बात है। नहीं, इससे पहले कोई क्लास नहीं हुई अलीशा। हाँ ऑफ कोर्स निकल जाएगा, डोंट वरी। हाँ गला खराब है शिवानी, बिल्कुल। गुड मॉर्निंग पल्लवी, गुड मॉर्निंग विनीता, अच्छा करती हूँ। गुड मॉर्निंग अलीशा, गुड मॉर्निंग सुभद्रा, चलो स्टार्ट करें फिर। जैन अलीशा, जैन अलीशा, मैंने देखा कि आपने चलो छोड़ो, रहने देते हैं। राइट मेक पावरफुल, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग निहारिका, चलो स्टार्ट करते। गुड मॉर्निंग रश्मि, गुड मॉर्निंग अदिति, हाँ बिल्कुल मानसी, घर से पढ़ा रही हूँ। जय हिंद प्रियांशी, चलिए जय हिंद पूजा, क्या बाकी है विनीता? हाँ टेलीग्राम ग्रुप है ना, MNS GRP, ठीक है, इस पर आप करोगे तो आपका आ जाएगा क्रैक MNS ऑनलाइन क्लासेस। नहीं तो अगर आप सर्च कर रहे हो वो क्विक रिवीजन फॉर MNS या MNS ऑफिसर्स टारगेट 28 जुलाई, तो फिर वो आ जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम पर। मॉर्निंग सहाना, आस्था नहीं बिल्कुल भी नहीं इग्नोर करती मैं। अच्छा नीट वाले का, नीट वाले का डॉक्टर्स टू बी #NEET, ठीक है। नहीं नहीं लक्ष्मी नहीं है, ठीक, चलो कोई नहीं, स्टार्ट करें फिर, क्लास तो ले रही है, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। विनीता क्या इनफ क्या प्रोवाइड, हाँ कराते हैं तो अच्छा पूजा, कोई नहीं चलो ठीक है, स्टार्ट करें। हाँ जी ठीक है, मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ओके ओके। हाय लाकी प्रिया, गुड मॉर्निंग निकिता, चलो आज हम करेंगे नेशनल सिंबल्स और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन धर्म चक्र, अशोक चक्र में कितने स्पोक्स होते हैं? 16, 20, 24, 32। गुड मॉर्निंग तनीषा, अच्छा जूम हाँ करती हूँ, एक मिनट, अभी बताओ कि कितने स्पोक्स होते हैं अशोक चक्र में, सबको ही बताए। आंसर इज 24, ठीक है, 24 स्पोक्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द नेशनल एनिमल टाइगर ऑफ इंडिया? नेशनल एनिमल का साइंटिफिक नेम क्या है? पैंथरा लियो, पैंथरा टाइग्रिस, एलिफस इंडिकस, बॉस डोमेस्टिकस। यस आंसर इज बी, करेक्ट, पैंथरा टाइग्रेस इज द करेक्ट आंसर, पैंथरा टाइग्रेस, ओके। चलिए नेक्स्ट, नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया कौन सा है? सबको पता है, रोज, लोटस, लिली, सनफ्लावर। नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया,
गुड मॉर्निंग मिला, येस ऑफ कोर्स, नेशनल फ्लावर इज लोटस, ठीक है। कुछ साफ नहीं दिख रहा है तो आप क्वालिटी को इंक्रीज कर लो, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन वाज जन गण मन विच वाज लेटर नोन एज नेशनल एंथम फर्स्ट संग एंड वेयर, कहाँ वो गाया गया था और कब। 24 जनवरी 1915 अलाहाबाद, 24 जनवरी 1950 इन दिल्ली, 26 दिसंबर 1942 इन कैलकाता, 27 दिसंबर 1911 इन कैलकाता। कुछ नहीं अलीशा, कुछ नहीं किया, मैं मजाक कर रही थी। गुड मॉर्निंग पूर्णिमा। अच्छा बताओ अभी, हाय नैन्सी, 26 जनवरी 1942, नहीं, हाय रामधन, आंसर इज डी, यस कंचन करेक्ट, आंसर इज डी, 27 दिसंबर 1911 इन कैलकाटा। अलीशा कुछ नहीं हुआ, मैं ऐसे मजाक कर रही थी, ठीक है। चलिए, क्या हुआ था कल क्लास में, कुछ नहीं हुआ था, ओके, इट वॉज संग ऑन 27 दिसंबर 1911 इन कैलकाटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी, पता नहीं क्या हो गया, कोई नहीं, पूजा इट्स ओके, अलीशा सच्ची में कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, क्वेश्चंस पर ध्यान देते हैं, ओके। 43 बच्चे, 25 लाइक्स है, ये हुआ है मुझे, तो तुम लाइक ही कर रहे। फिफ्थ क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू डिक्लेयर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स अ नेशनल रिवर, किसको नेशनल रिवर डिसाइड किया है, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा, कावेरी, नन ऑफ दीज। यस आंसर इज सी, गंगा, ओके, गंगा इज द करेक्ट आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी कुछ स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट दे रखी है आपको नेशनल एंथम के रिगार्डिंग, ठीक है, तो आपको बताना है कि विच इज़ द करेक्ट वन। पहला स्टेटमेंट है, इट वॉज फर्स्ट संग ऑन 27 दिसंबर 1911 एट द कोलकाता सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट वॉज अडॉप्टेड बाई द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 24 जनवरी 1950। फिर स्टेटमेंट है, प्लेइंग टाइम ऑफ द फुल वर्जन ऑफ द नेशनल एंथम इज अब approximately 52 seconds. चलो बताओ, एक बार फर्स्ट क्वेश्चन से करा दूं मैं, अच्छा ठीक है, एक मिनट रुको, इसका आंसर बता के करवा देती हूँ। यस आंसर इज डी, सारी की सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, बिल्कुल करेक्ट है, तीनों की तीनों करेक्ट है, ओके। एक बार मैं फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्टिंग से करा देती हूँ, जो बच्चे रह गए हैं, ठीक है, एक बार मैं जल्दी जल्दी करा देती हूँ। 41 बच्चे हैं बस, शेयर तो कर दो, लाइक भी नहीं कर रहे हो तुम। चलो फर्स्ट क्वेश्चन था कि कितने स्पोक्स होते हैं अशोक चक्र में, ठीक है, सो आंसर इज 24। फिर आता है कि नेशनल एनिमल जो टाइगर है तो उसका साइंटिफिक नेम क्या है, सो दैट इज़ पैंथेरा टाइग्रिस। फिर क्वेश्चन था कि नेशनल फ्लावर कौन सा है इंडिया का, दैट इज़ लोटस। फिर फोर्थ क्वेश्चन था कि जनगणमन नेशनल एंथम है तो वो कब पहले गाया गया था और कहाँ गाया गया था, सो आंसर इज 27 दिसंबर 1911 इन कैलकाटा। फिर क्वेश्चन था कि जो गवर्नमेंट ने कौन सी रिवर को डिसाइड किया है कि नेशनल रिवर बनाना है, सो आंसर इज गंगा। फिर हमने किया है कि नेशनल एंथम पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं, ये 3 स्टेटमेंट्स हैं, ओके, तो कौन सी करेक्ट है वो बतानी है, तो सारी की सारी करेक्ट हैं,
कि 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में फर्स्ट संघ हुआ था, ये अडॉप्ट हुआ था 24 जनवरी 1950 को, और इसका जो टाइम है, इसका जो टाइम पीरियड है वो है 52 सेकेंड्स। ठीक है, तो सारी की सारी ठीक है, और अभी हम 7th क्वेश्चन पर आएंगे। ओके, अभी कोई डाउट? कौन जल रहा है अलीशा? चैट क्या हुआ? ब्लर है, ब्लर है ना, तो क्वालिटी को इंक्रीज कर लो अगर ब्लर है तो। और अगर जब भी नहीं हो रहा तो फिर पता नहीं। अच्छा, 7th क्वेश्चन देखो। अभी ये 3 स्टेटमेंट दी गई आपको, इसमें से बताना है कि कौन सा करेक्ट है। द डिज़ाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली ऑफ इंडिया ऑन 22 जुलाई 1947। ठीक है, कि नेशनल फ्लैग को कब किया था? 22 जुलाई 1947। फिर व्हील इन नेशनल फ्लैग हैज़ 24 स्पोक्स। फिर थर्ड है स्टेटमेंट, द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ नेशनल फ्लैग इज टू इट्स लेंथ इज 2:3। तो आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। 1 एंड 2, 1 एंड 3, 2 एंड 3, 1, 2, 3। चैट्स तो मैं जब तक वो पढ़ती हूँ जब तक तो मैं बंद ही रखती हूँ ना। जय नितेश। अभी ये 9 AM तक होगी क्लास, ठीक है मानसी? अच्छा ठीक है, ये आंसर इज ए नहीं डी। ओके, देखिए 10th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया? नेशनल एम्बलम इंडिया का कौन सा? धर्मचक्र, स्टार एंड क्रिसेंट, लायन एंड स्वॉर्ड, द ग्रेट वॉल। यस ऑफ कोर्स, आंसर इज ए। ठीक है, नेशनल एम्बलम धर्मचक्र है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ नेशनल बर्ड पिकॉक ऑफ इंडिया? नेशनल बर्ड पिकॉक का, जो पिकॉक का साइंटिफिक नेम क्या है? पावो क्रिस्टिटस, क्यूक्यूलिडे क्यूक्यूलिफोर्मर, कॉर्वोस कोरोने, पिथोटिडे सिटेसीफोर्म्स। ओके, तो साइंटिफिक नेम है। येस, आंसर इज ए, आंसर इज ए, पावो क्रिस्टेटस इज द करेक्ट आंसर। वैसे सारे के सारे गलत हैं, ये बताऊँ कैसे गलत हैं? क्योंकि ये जो ये सी ये वाले, ठीक है, ये स्पीशीज के नेम हैं, ये स्मॉल लेटर में आने चाहिए थे, तो इसके तो फिर तो रूल्स के अकॉर्डिंग तो ये गलत हुए ना। बट वैसे पावो क्रिस्टेटस ही पीकॉक का आंसर है, मतलब साइंटिफिक नेम है। ओके ओके, आई विल स्पीक इन इंग्लिश, डोंट वरी। क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ नेशनल फ्लावर लोटस? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ लोटस? निलंबो, न्यूसीपेरा गेटिन, टेगेटिस एरेक्टा, लिलियम मैकलिने, सुसेरा ओबविलेट, ओबविलेटा। हाँ, इट वॉजेंट अंडरलाइन एज वेल। यस, सो टेल मी द साइंटिफिक नेम ऑफ नेशनल फ्लावर लोटस।
गुड मॉर्निंग आशी. सो द आंसर इज ए. आंसर इज ए. यू थॉट दैट लोटस स्टार्ट्स विद द एल, सो आंसर विल बी लिलियम. नो इट इजंट. द आंसर इज नॉट सी. आंसर इज ए. ओके आंसर ए है. नेलंबो न्यूसिपेरा गेट इन. आंसर इज ए. ओके 13th क्वेश्चन. व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ नेशनल ट्री बैनियन. टेल मी द बैनियन ट्रीज नेशनल सॉरी साइंटिफिक नेम. फिकस बेगेलिसिस एजार्डिरेचाटा इंडिका टेकोना ग्रैंडिस एंथोसिफेरिस इंडिकस. इलेवेंथ वाला रिपीट करूँ एक मिनट. इलेवेंथ वाला जो पीकॉक का आपको साइंटिफिक नेम बताना था आंसर इज ए. ओके पावोक्रिस्टिस. चलिए अभी बैनियन ट्री का बताओ. यस आंसर इज ए. आंसर इज ए फिकस बेगेलेंसिस. ओके 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 ट्वेल्थ का आंसर इज ए. आंसर इज ए निलंबो न्यूसिपेरा गेरटिन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ नेशनल फ्रूट मैंगो. व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो. मैंजीफेरा इंडिका पायरस मेलस म्यूसा पेरेटिका साइडियम गुआजावा. यस ऑफ कोर्स आंसर इज मैंजीफेरा इंडिका इज द करेक्ट आंसर. ओके अभी नाउ स्टार्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक. ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द प्रीएम्बलम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच वाज नॉट इंसर्टेड थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976. ओके व्हिच वर्ड इज नॉट इन द प्रीएम्बलम अकॉर्डिंग टू द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1947. सोशलिस्ट सेक्युलर डिग्निटी इंटीग्रिटी. So which word is not there in the preamble? हाँ italics में भी नहीं बिल्कुल. Okay. So the answer is dignity. Answer is dignity. Dignity is not present in the preamble according to the 42nd Amendment Act 1976. ठीक है. Okay. Second question. Which Amendment Act introduced changes in the preamble to the Indian Constitution? Which Act is used to make the changes in the preamble? The 38th Amendment Act 1975, 40th. 42nd, 44th कौन सा विच वन. अभी फर्स्ट क्वेश्चन में किया है. वी डिड इट इन फर्स्ट क्वेश्चन ओनली. नहीं तबीयत ठीक नहीं है. चलिए कोई नहीं क्लास तो लेनी है. Yes, so the answer is 42nd Amendment Act. 42nd, okay? The 42nd Amendment Act 1946 is the correct answer. Third question, by which Amendment Act the fundamental duties of citizens are included in Indian Constitution? By which Amendment Act fundamental duties are included in Indian Constitution, okay? सो कौन से अमेंडमेंट एक्ट में लिखा हुआ है ये अबाउट दी फंडामेंटल ड्यूटीज. ओके आंसर इज ए
आंसर इज ए, 42nd अमेंडमेंट एक्ट इज द करेक्ट आंसर. इसी के अंदर लिखा हुआ व्हाट अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स. फोर्थ क्वेश्चन, सिक्किम्स वॉज मेड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया अंडर द, अंडर विच अमेंडमेंट सिक्किम वॉज इन वॉज मेड इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडिया. इंपॉर्टेंट पार्ट, 36th अमेंडमेंट, 39th अमेंडमेंट, 40th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट. सेकेंड का आंसर था 42nd अमेंडमेंट एक्ट. ओके, अच्छा बताओ फोर्थ का. यस, फोर्थ आंसर इज ए, 36th अमेंडमेंट एक्ट. ओके, 36th अमेंडमेंट सेज दैट द सिक्किम इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडिया. ओके, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल अमेंडमेंट पास ड्यूरिंग द एमरजेंसी वॉज, ड्यूरिंग द एमरजेंसी विच वॉज द कॉन्ट्रोवर्शियल अमेंडमेंट. 41st, 42nd, 43rd, 44th. थर्ड का आंसर मानसी, थर्ड का आंसर इज 42nd अमेंडमेंट एक्ट. ओके, सो द फिफ्थ आंसर इज 42nd अमेंडमेंट एक्ट. ओके, इट वॉज द कॉन्ट्रोवर्शियल अमेंडमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन इज द 73rd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, 73rd अमेंडमेंट डील्स विद वॉट, पंचायती राज, कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन, नगर पालिकाज, एज फॉर मैरिज. 73rd अमेंडमेंट डील्स विद, सो द आंसर इज ए, पंचायती राज इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द इशू ऑफ स्ट्रेंथनिंग ऑफ द पंचायती राज. 42nd, 44th, 73rd, 86th. कि विच अमेंडमेंट strengthens the panchayati raj, which deals with the panchayati raj. Just few seconds ago you did this question. नई आर्टिकल की लिस्ट नहीं दी है अभी तक, मैंने दे दूंगी आज. ठीक है, डोंट वरी. सो द आंसर इज 73rd अमेंडमेंट. यू डिड नाउ. ओके, 73rd अमेंडमेंट इज द करेक्ट आंसर. एट्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैव एडेड आर्टिकल 15 ब्रैकेट 5 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया प्रोवाइडिंग द रिजर्वेशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन द प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो. सो किस अमेंडमेंट में लिखा हुआ है, इन विच अमेंडमेंट इज रिटन दैट द रिजर्वेशन विल बी प्रोवाइडेड टू द प्राइवेट सेक्टर एज वेल. ओके, इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. सो इट इज फर्स्ट अमेंडमेंट, 86th अमेंडमेंट, 91st अमेंडमेंट, 93rd अमेंडमेंट. ओके, सो द आंसर इज 93rd अमेंडमेंट. ओके, आंसर इज 93rd अमेंडमेंट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन इज द कॉन्स्टिट्यूशन 93rd अमेंडमेंट एक्ट डील्स विद, वॉट इट डील्स 93rd अमेंडमेंट एक्ट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एक्सटेंशन ऑफ रिजर्वेशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. ओके अलीशा, बताओ 93rd अमेंडमेंट एक्ट विद. Yes, answer is B, correct. Answer is B, extension of reservation in educational institution in private sector also, okay? Eighth ka answer, ek minute, abhi bataya.
एट का आंसर इज 93rd अमेंडमेंट. 93rd अमेंडमेंट इज द करेक्ट आंसर. ओके, 10th क्वेश्चन. द मेथड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज प्रोवाइडेड इन इन विच आर्टिकल. मेथड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आर्टिकल 348, आर्टिकल 357, आर्टिकल 368, आर्टिकल 378. इन विच आर्टिकल इट इज प्रोवाइडेड. बताओ. आंसर इज सी. करेक्ट आंसर इज सी, आर्टिकल 368 इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन देखो. ओके, गुड मॉर्निंग किचन. सो यस, सो द आंसर इज सी. करेक्ट, 61th अमेंडमेंट. ओके, 61th अमेंडमेंट इज द करेक्ट आंसर. 12th क्वेश्चन देखो. अभी मुझे चैट्स हटाने की जरूरत नहीं है क्योंकि साइड में ही है ना क्वेश्चंस. गुड मॉर्निंग अनामिका. By which Amendment Act of the Constitution of India were the directive principles of the state policy given precedence over the fundamental rights wherever they come into conflict? Ki when which amendment will be used? Okay. Good morning, Sunita. When there is a conflict between directive principles of the policy state ya kuch bhi nothing, if any conflict happens, so which amendment deals with it? 11th बता दूँ. 11th आंसर इज 61. ओके, 61st अमेंडमेंट एक्ट, जो मिनिमम एज है वोटिंग की ऑफ इंडिया. सो आंसर इज बी. आंसर इज बी, फंडामेंटल राइट्स के साथ. ओके, 42nd अमेंडमेंट एक्ट. 13th क्वेश्चन. द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 हैज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ न्यू चैप्टर ऑन. ओके, 42nd अमेंडमेंट एक्ट हैज इनकॉर्पोरेटेड, मतलब दे हैव बीन चेंज इनटू द न्यू चैप्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो व्हाट आर दो चैप्टर्स और द चैप्टर? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, फॉर्मेशन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल, फंडामेंटल ड्यूटीज, नन ऑफ दीज. यस, आंसर इज सी, फंडामेंटल ड्यूटीज इज द करेक्ट आंसर. ओके, 14th क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट was said to be mini constitution? Which amendment act is said to be mini constitution? 42nd, 44th, 46th, 50th. So the answer is A. Answer is A, 42nd is the correct answer. 42nd is known as the mini constitution. 15th question. Which of the following has banned floor crossing by the members elected on a party ticket to the legislative? So which amendment has banned the that no one will be crossing the members, matlab they cannot. Okay, chalo, those who have elected. 52nd Constitution Amendment Act, People Representation Act, National Security Act, Maintenance of Internal Security Act. हाँ, 42 बहुत ज़्यादा लगता है बिल्कुल. ओके, 15th क्वेश्चन बताओ. यस, आंसर इज ए. आंसर इज ए, 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन इज द राइट टू पॉवर्टी. PDF इसकी आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर. ओके जानवी, द राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स. सो इट वॉज रिमूव फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स. ओके,
So, according to which amendment act it was removed? Yes, I'll provide the PDF on the Telegram channel, don't worry. 23rd, 44th, 73rd and 76th. अच्छा प्रांजल 15 वाला, एक मिनट, 15th वाला ये बोल रहा है कि जो भी आपको क्रॉस नहीं करना है, जो भी ऑल दी लिमिट्स एंड ऑल, जो पार्टी टिकट जिसको भी मिल रखा है, दो आर इलेक्टेड फॉर दी इलेक्शन, ठीक है, तो उनको कोई भी लिमिट्स क्रॉस नहीं करनी है. सो इट इज़ रिटन इन दी 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. ओके, सो 16th क्वेश्चन इज, 16th क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज 44th अमेंडमेंट एक्ट. इन दिस इट इज़ रिटन दैट, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस, राइट टू पॉवर्टी वॉज रिमूव फ्रॉम दी फंडामेंटल राइट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन, दी 84th अमेंडमेंट एक्ट हैज़ फ्रोजन दी टोटल नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग सीट्स इन दी लोकसभा ऑन दी बेसिस ऑफ 1971 सेंसस. दे शल रिमेन अनऑल्टर्ड टिल दी फर्स्ट सेंसस टू बी टेकन आफ्टर द ईयर. अब वो चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है, जो भी फर्स्ट सेंसस में लिए गए थे. टोटल नंबर जो सीट्स है लोकसभा के अंदर, वो ऐसी रहेंगी जब तक रहेंगी जब तक अगला सेशन चेंज नहीं हो जाता, ठीक है. सो 2010, 2015, 2021, 2026. ओके, आर्टिकल का यू विल गेट दैट, डोंट वरी. अभी अगला कब होगा सेंसस? सो आंसर इज 2026, जब भी ऑल्टर हो सकती हैं सीट्स ऑफ द लोकसभा. ओके, देन ओनली दे कैन बी ऑल्टर्ड, दे कैन बी चेंज्ड, लोकसभा सीट्स कैन बी चेंज्ड इन द 2026, आफ्टर 2026 सेंसस. गुड मॉर्निंग अंपू. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इंटीग्रेट सिक्किम एज अ फुल फ्लेज स्टेट या इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडिया. सो विच अमेंडमेंट एक्ट टेल्स दैट? 34th, 35th, 36th, 37th. सेवनटीन्थ वाला समझ नहीं आया, अभी बताती हूँ कि पहले क्या है. जो भी फ्रोजन हो जाती है, मतलब फ्रीज हो जाती है, कि जो टोटल नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग सीट्स हैं लोकसभा की वो फिक्स रहेंगी, वो चेंज नहीं होगी, ठीक है, जब किसके अकॉर्डिंग, 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग. अब वो जब भी चेंज हो सकती है, ठीक है, जब तक अनऑल्टर रहेगी, वो अनचेंज रहेगी जब तक कोई वो अगला सेशन नहीं, सेंसस नहीं होगा, तो वो अगला सेंसस होगा 2026 में, ठीक है, तो जब तक वो अनचेंज ही रहेगी. ये था मीनिंग इसका. सो 18th क्वेश्चन आंसर इज 36th अमेंडमेंट एक्ट. ओके, अकॉर्डिंग टू 36th अमेंडमेंट एक्ट, सिक्किम इज एन इंटीग्रल पार्ट एंड द फुल फ्लेज्ड स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन. गुड मॉर्निंग प्रिनिश, प्रिंस. ओके, 19th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस द एंटी डिफेक्शन प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार एंटी डिफेक्शन प्रोविजन इंट्रोड्यूस हुआ है किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू? 51st अमेंडमेंट, 52nd अमेंडमेंट, 53rd अमेंडमेंट, 54th अमेंडमेंट. यस, सो द आंसर इज 52nd अमेंडमेंट एक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन, विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्टेड अ न्यू आर्टिकल 21A प्रोवाइडिंग राइट टू एजुकेशन. ओके, सो अकॉर्डिंग टू विच अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 21A इज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट इज राइट टू एजुकेशन एक्ट. सो अकॉर्डिंग टू विच अमेंडमेंट? 86th, 87th, 88th, 89th. So the answer is 86th Amendment Act. Okay. Next question.
सिक्किम बिकेम एन एसोसिएटेड स्टेट ऑफ यूनियन इंडियन यूनियन बाय द फॉलोइंग बाय विच अमेंडमेंट। तीसरी बार कर रहे हो क्वेश्चन तुम, इट्स द थर्ड टाइम दैट क्वेश्चन केम हेयर। विच अमेंडमेंट एक्ट, आंसर इज 36th अमेंडमेंट। ओके यस ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। 22nd फंक्शन टू बी असाइन टू पंचायत बाय 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मैंशनड इन विच शेड्यूल इट वॉज मैंशन दैट द फंक्शन दैट आर असाइन द पंचायत इज बाय 73rd अमेंडमेंट। इन विच शेड्यूल इट इज प्रेजेंट, 10th, 11th, 12th, 13th। So the answer is 11th schedule, okay? 11th schedule is the correct answer. Next question. The first amendment to the constitution carried out in 1951 related to. First amendment is related to what? Security of the country, security of the prime minister, protection of agrarian reforms in certain states, scheduled castes and scheduled tribes. First amendment was about, yes correct, answer is C, protection of agrarian reforms in certain states. Okay, next question, by which one of the following constitutional amendments Delhi has become national capital of region NCR? By which amendment Delhi has become the NCR, National Capital Region, 61st Amendment, 69th Amendment, 71st Amendment, 79th Amendment. Yes, of course, answer is B, 69th Amendment, okay? Answer is B. 25th question, the 79th Amendment of the Indian Constitution is related to. 79th Amendment is related to what? Center-state relation, establishment of two political parties, fundamental rights, reservation of SCs and STs in the Lok Sabha and state assemblies. Yes, answer is D. Reservation of SC and STs in the Lok Sabha and the state assemblies, okay? Next question. Which one of the following amendments to the Indian Constitution empowers the President to send back any matter for reconsideration by the Council of Ministers? Okay? So, which amendment is that the President has the powers to send back all the matters from the Council of Ministers, okay? So, उनके पास power है कि वो दोबारा भेज सकते हैं to उनको reconsider करने के लिए जो भी council है minister के cabinet ministers हैं उनसे 39th, 40th, 42nd, 44th. Okay, so the answer is D, 44th amendment, okay? Next question, 93rd Constitution Amendment deals with the 93rd Constitution deals किसके साथ करता है? Continuation of reservation for backward classes in the government employment, free and compulsory education for all children between the age of 6 to 14 years, reservation of 30% post for women in government recruitment, allocation of more number of parliament seats for recently created states. So 93rd constitution deals with, okay, so the answer is B, free compulsory education for all children, okay, and it is written in article 24, don't forget that. Chalo, 29th question, the 9th
schedule to the Indian Constitution was added by? 9th schedule was added by the 1st Amendment, 8th Amendment, 9th Amendment, Amendment 42nd Amendment. Hi Shivani. Ninth schedule was added by the which amendment? So the answer is A, 1st Amendment. Okay, answer is A. Hamesha 42nd nahi aayega. Okay, next question. 30th question. Which one of the following bills must be passed by each house of the Indian Parliament separately by special majority? So which bill is passed by both the houses of the Parliament? Rajya Sabha and Lok Sabha. So from both the houses, which bill should pass separately? Ordinary bill, money bill, finance bill, constitution amendment bill. Yes, so the answer is D, constitutional amendment bill. Constitution amendment bill, it should be passed separately from both the houses. Answer is D. Okay, 31st question. Which of the following constitutional amendments are related to raising the number of members of Lok Sabha to be elected from the states? So in which amendment it is written about the raising of the seats of Lok Sabha? 6th and the 22nd, 13th and the 38th, 7th and the 31st, 11th and the 42nd. Okay, let me tell the answer. Answer is C, not B. Answer is C, 7th and 31st. 7th and 31st is the correct answer. Journal Intelligence, हाँ आ सकती है. हाँ ये enough है. जो मैं करा रही लूसेंट से enough है. Okay, next question. The Constitution 98th Amendment Bill is related to? 98th Amendment is related to what? Empowering the Centre to levy and appropriate service tax, the Constitution of the National Judicial Commission, readjustment of electoral constituency on the basis of population, the demarcation of new boundaries between the states. So 98th Amendment deals with what? Okay, so the answer is B. Answer is B. The Constitution of the National Judicial Commission is the correct answer. Okay, answer is B. 33rd question. Which of the following Constitution Amendment Act seeks that the size of Council of Ministers at the center and in a state must not exceed 15% of the total number of legislative assemblies? So according to which Amendment Act these seats are fixed? 91st, 93rd, 95th and 97th. According to which amendment, it should not exceed the 15% of the total number of legislative assemblies. So the answer is A, 91st. Okay. 91st is the correct answer. So here are these questions finished. खत्म हो गया. टुडे सेशन इज ओवर नाउ. हाय अंजलि. ओके, गुड मॉर्निंग अंजलि. सो दिस सेशन इज ओवर नाउ. आई होप यू लाइक्ड इट. इट वाज इंफॉर्मेटिव. ओके, सो विल मीट एट 10 AM. PDF विद आंसर. ओके, मैं PDF भेज दूंगी, डोंट वरी. ओके खुशबू, अभी मेरी नेक्स्ट क्लास होगी 10 AM पर. ओके, 10 AM पर MNS बुक पार्ट 3. ओके, थैंक यू सो मच.
थैंक यू प्रांजल, थैंक यू पूजा, थैंक यू निकिता, थैंक यू रवीना, निकिता, थैंक यू एवरीवन, ओके, थैंक यू सुनीता, ओके, थैंक यू स्नोबर, खुशबू, थैंक यू उमा, पूजा, मधुश्री, सबका 10 AM पर आपकी क्लास होगी, एमएनएस बुक पार्ट 3, सो बी ऑन टाइम देयर, ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ and come down below how was the session. I'll be eagerly waiting for your comments, okay? Thank you so much, okay? हाँ, history Lucent से मैंने सब कुछ Lucent से पढ़ाया, okay? और Lucent से ऊपर कुछ भी नहीं है, so मैंने Lucent ही करा दी, तो तुम्हें अभी डर की बात क्या है? So don't worry. हाँ, important amendments आई हैं, so I'll share the PDF in the group. अच्छा, पूरे syllabus का संडे को ले लूँगी, बिल्कुल ले लूँगी, ठीक है? थैंक यू विनीता, ओके, थैंक यू सो मच, एंड कमेंट डाउन बिलो हाउ प्लीज़, ओके, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ.